Allow me to introduce myself. I am Jarvis, and I am here to assist you with a variety of tasks to the best of my ability. Hello everyone, let me introduce you with my creator. Okay, so hi everyone, welcome back to another video. So last video में आप लोगों का बहुत ही अच्छा support देखने के लिए मिला मुझे, और इस video पे मेरी आपसे same expectation है, but without किसी expectation के video को करते हैं शुरू. Because last video पे हमने अपना UI बनाया था, इस video पे हम उसी UI को और अपग्रेड करने वाले हैं और उसका मैं रिजल्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ. और बहुत ही टाइम से हम एक चीज़ करना चाह रहे थे अपने UI के साथ, वो है कि बैकएंड का अटैचमेंट करना. क्या मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अगर इस कोड को अभी रन करता हूँ, ये सिर्फ जस्ट एक फाइल है, मैं इस फाइल को रन करूँगा और मैं ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक बॉक्स एड किया है. इस बॉक्स में आप जो भी बोलोगे रियल टाइम में वो रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे उसे समझेगा. तो इसका मतलब आप मॉनिटर कर सकते हो अपने स्क्रीन के थ्रू, जो भी आप बोल रहे हो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. ठीक है, साथ में आपके जो पुराने फंक्शंस थे उनमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है. यहाँ पे देखो, आप इसे चाहोगे तो थोड़ा सा ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट आपका दोनों वर्क करेगा अच्छे तरीके से, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लॉग आउट आपका बटन अभी लॉग इन जो है तो आप नहीं कर पाओगे, लॉग आउट कर सकते हो, क्लिक करोगे आपका वापस से आ जाएगा. ये फंक्शन हमने पहले भी देखे. रही बात आपके साउंड इफेक्ट्स की, साउंड एसेट्स की, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. सो लेट्स सी हाउ टू बिल्ड दिस. सो ऑलराइट गाइस, सो देखो कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ. व्हाइल एक्सप्लेनिंग आप स्क्रीनशॉट लेके उसे वहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. और अगर आप नहीं लिखना चाहते, आपको सब कुछ चाहिए, एसेट्स भी चाहिए, रिक्वायरमेंट टीएक्सटी भी चाहिए, ठीक है, तो यार एक नीचे एक फॉर्म मिलेगा आपको. अगर आप वीडियो देख के उसे लिखना नहीं चाहते तो गो अहेड एंड उससे आप बना सकते हो. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले देखो हमने किया क्या था, हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली ये टीके किंडर की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल किया, उसे एज टीके किया ताकि हमें टीके किंडर को बार बार इंस्टॉल ना करना पड़े. अब मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज सी गाइस, कुछ लोगों को सोर्स कोड चाहिए, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि बनाते कैसे हैं, कुछ लोग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्लीज़ गो अहेड, तब तक आपके पास टाइम है जब तक मैं एक्सप्लेन करूँगा. आप चाहो तो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, या फिर कैसे भी लिख लो कोड यार, मेन मोटिव है कोड. ठीक है, ओके. सिमिलरली आपने टीके किंटर को क्या किया, फ्रॉम टीके किंटर से आपने मैसेज बॉक्स को वहां से इंपोर्ट किया. ठीक है, इसी तरह पिलो से आपने, क्योंकि हम इमेज पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट इमेज पर ऑपरेशन, यहां पे देखो हम जो लोगो है ना हमारा, ये लोगो चैनल का लोगो है. मैं आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप इसी को यूज करो, ठीक है, नॉट सजेस्टिंग, दैट इज टोटली ऑन यू. अगर आपको ये आर्क रिएक्टर पसंद आता है यूज़ करो, नहीं आता है आपको जो दिल में आए वो यहाँ पे आके रिप्लेस कर दो, और उसका नाम लोगो डॉट पी एन जी रख दो, या फिर उसका पाथ चेंज कर दो, दैट्स इट. ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होगा. आगे देखो, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रेडिंग को इम्पोर्ट किया ताकि मैं एक ही टाइम पे सारी चीज़ें परफॉर्म करूँ. थ्रेडिंग करता क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि वो स्पीक कर रहा है उसी टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी है तो थ्रेडिंग हेल्प करेगा. ठीक है, इसी तरह के सारे ऑपरेशन जब आप एक साथ करना चाहते हो, दो दो ऑपरेशन, तो उस टाइम पे थ्रेडिंग काम करता है. बट थ्रेडिंग्स कई बार रिसोर्सेज लेता है ज़्यादा, आपके बैकग्राउंड में आपके रैम्स खाता है, बट डो नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे हमने बहुत ही लेस अमाउंट में उसका यूज़ किया. ऑलराइट, चलो देखो, ओएस इनबिल्टेड लाइब्रेरी है, उसके थ्रू हम पाथ वगैरह को गेट करेंगे, और साथ में जो हमारे म्यूजिक्स हैं जो कि हम साउंड इफेक्ट्स यूज़ करते हैं उसका यूज़ करने वाले हैं. अभी इस वाले पे मैंने साउंड इफेक्ट का यूज़ नहीं किया है, मैं अपने चैनल पे जाऊंगा, आप भी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो. रिसेंटली मैंने आपको दिया है ये एसेट्स, और ये रहा आपका वॉइस, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड डॉट एम पी थ्री. इसे मैं यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करूँगा, डेस्कटॉप पे आऊँगा, और ये रहा मेरा जार्विस का फोल्डर, और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पे देखो साउंड डॉट एम पी थ्री आ गया. कॉपी राइट क्लिक करूँगा मैं इस पर, और यहाँ से मैं कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ से कॉपी रिलेटिव पाथ करूँगा,
तो अभी मेरे पास जो पाथ है वो कॉपी हो चुका है, अभी मुझे यहाँ पे कहाँ पे डालना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, बस कॉपी करके आपको रखना है। देखो पाई गेम क्या है, बिकॉज ऑफ मुझे इस म्यूज़िक को प्ले करना है, ये मेरे को एक मिक्सर बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से वो प्ले होगा, ठीक है। सिमिलरली नेट हाई टेक जो हमारा खुद का पैकेज है, वहाँ से हमने एक परफेक्ट लिशन फंक्शन बनाया, परफेक्ट, ठीक है। इसका सोर्स कोड आपको ओपन मिल जाएगा जब आप इसे इंस्टॉल करोगे, राइट क्लिक करना, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद गो टू द डेस्टिनेशन करोगे तो ये रहा इसका कोड, ठीक है, सिंपल। ऑल राइट, बैक करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, मिक्सर बनाया, पाई गेम मिक्सर, जो कि हमें हेल्प करेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर हमने क्या किया कि प्ले साउंड का एक हमने सिस्टम बनाया है पाई गेम की हेल्प से, आप इसे प्ले साउंड से भी कर सकते हो, सिंपल है। एंड दिस इज ऑल जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि लॉगिन पे कैसे काम करेगा, पासवर्ड्स कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सक्सेस डॉट वेव लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको उस चीज़ को पेस्ट कर देना, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो मैसेज बॉक्स है और उस पर हम जो अलर्ट दे रहे हैं यहाँ से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, एक्सेस ग्रांटेड डालना है, स्वागत है सर डालना है, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करो एंड आई थिंक आपको मेरा कोड अगर नहीं दिख रहा है फुल तो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रैप कॉन्टेंट और यहाँ पे अब आपको कोड दिखने लगेगा सर, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लोगों को हाइड किया है जब एक्सेस जो हमारा लॉगिन सेक्शन दिखेगा, और एक्सेस ग्रांटेड होने के बाद हमारे लोगों को हमें शो केस करना, वही हमने शो होलोग्राम कर दिया। कोई एरर आता है तो उसके लिए भी अभी हम सेम साउंड इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स जार्विस के ही यूज़ करेंगे, बट फॉर राइट नाउ यूज दिस वन ओनली। सिमिलरली जब हमें लॉग आउट का करना है, लॉग आउट के लिए भी हमने एक लॉग आउट वेव का यूज़ किया है, उसकी जगह आप इसी को पेस्ट कीजिए और इसका यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे एक प्ले साउंड यूज़ किया है, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले किया है और उसे हाइड कर दिया है, दैट्स इट, ओके। ऑल राइट, नीचे आते हैं, टॉगल लॉगिन। इसमें ऑलरेडी मेरा माई देखो MP3 पड़ा हुआ है लॉगिन के लिए, जैसे ही मैं टॉगल लॉगिन करूँगा ये साउंड इफेक्ट बजना चाहिए था, ठीक है। हाइड होलोग्राम, मतलब मैं जब लॉगिन का पेज देखता हूँ तो मुझे हाइड करना होता है, जो पहले जो सर्कल चल रहा होता है ना लोगों का, उसको मुझे हाइड करना होता है। आफ्टर दैट शो होलोग्राम का ये एक छोटा सा कोड है कि कैसे वो शो करेगा, कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी, ठीक है। एनिमेट लोगो, वो बेसिकली अपने ही पोजीशन में सेंटर में होके रोटेट कर रहा है, वही चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की है। एनिमेट लॉगिन, जब आप उसे ध्यान से देखोगे तो ऐसे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है लॉगिन सेक्शन, उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे लिखा है हमने। एनिमेट लोगो कैसे वो पूरा टर्न होगा, उसका कंप्लीट लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने अपडेट का लॉजिक डाल रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और इसी तरह हमने उसके अंदर ग्लो इफेक्ट्स भी डाला है। आई थिंक दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हो। ये वाली थिंग मैंने पहले भी बता दी कि कैसे वो काम करेगा। एंड इन लास्ट आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द एंटिटी एंड एडिंग इट एंड मेक इट अ वन GUI व्हिच इज कॉल्ड जार्विस साईफाई UI। आप अपने हिसाब से नेम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट कर रखा है, फुल स्क्रीन करके रखा है और ब्लैक करके रखा है बेसिकली बैकग्राउंड, ताकि मैं उसे ट्रांसपेरेंट कर पाऊँ, ओके। यहाँ पे मैंने लोगो डॉट PNG का, जिन लोगों को यहाँ पे दिक्कत आए वो यहाँ से उसका रिप्लेस कर सकते हैं लाइन नंबर 102 पे, ओके। ऑल राइट, स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे आपको लोगो ओरिजिनल मिल जाएगा, टीके मिल जाएगा, और इससे हमने क्या किया, उसे बेसिकली वहाँ से एक्सेस कर करके सारी एक चीज़ें यहाँ पे डाली हैं, उनकी पोजीशंस डिफाइन किए हैं। पोजीशंस डिफाइन करने के बाद उनमें स्टाइल्स, उनमें कलर्स, उनमें जो ग्लो आ रहा है, जो लॉगिन का कलर आएगा, उस पर क्या क्या डालना है, कहाँ पे कब क्या डिस्प्ले करेगा, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हुई है। ध्यान रखना जब आप ये लाइन लिखना तो ये लाइन इसकी कंटिन्यूस लाइन है, बस ये इसके नीचे है, ठीक है। लेट्स स्क्रॉल डाउन। सिमिलरली हमने फॉर पासवर्ड, फॉर लॉग इन एंड लॉग आउट के लिए भी बनाया, ओके। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आपके पास कंट्रोल है, आप वीडियो को और कम स्पीड पे करके देख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि कम्प्लीटली हमने क्या डिस्प्ले कराना चाहिए था, हमने क्या कराया है और क्या क्या किया है, टेक्स्ट क्या दिखाना था हमें, वर्ड दिखाना है, ये हमारे उस बॉक्स के लिए है पूरा जो बॉक्स पे हम रीड करने वाले हैं। अपडेट txt ये रही उसकी फाइल, यहाँ पे मैंने एक txt फाइल बनाई है data.txt, वो उसको वहाँ से एक्सेस करेगा साथ में रिलेशन फंक्शन के, वो उसे वहाँ से डाल के उठा के कलर ग्रेडियंट्स के साथ डिस्प्ले कराएगा। वही चीज़ हमने, अगर कोई एरर आता है तो वो भी बता दे, जैसे कि नो फाइल फाउंड आ रहा है, अगर फाइल आपने डिलीट कर दी तो वो एरर शोकेस करेगा वहाँ। अपडेट टेक्स्ट को हमने वहाँ से ऑन कर दिया है, ठीक है। लिशन एंड सेव, ये लिशन फंक्शन है जो आपको नेट हाई टेक की तरफ से मिलता है, उसे वो सेव करेगा और जो भी चीज़ें होंगी रियल टाइम में उस फाइल पे सेव करता जाएगा और उसी के हिसाब से हम उसे देख सकते हैं फ्रंट स्क्रीन। दिस इज़ द लास्ट वर्जन ऑफ इट जहाँ पे हम थ्रेडिंग की हेल्प से हम अपने लिशन एंड सेव को और स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही हम उसे फुल स्क्रीन में अपने UI प्ले कर रहे हैं और साथ में अगर एस्केप बटन प्रेस होती है तो आप एग्जिट कर जाओ, इसका हमने फंक्शन लिखा हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको साइज डी समझ में आई होंगी। अभी लेट्स ट्राई वन मोर डेमो हियर, मैं इसे रन करूँगा, इसे मिनिमाइज करूँगा बिकॉज दिस इज माई प्रीमियम UI। क्लिक करते हैं, ठीक है, सही है, सही है, सही है। तो देखा आपने, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने साउंड इफेक्ट ऐड कर दिया है, उसके साथ हमने GUI में एक बॉक्स ऐड कर दिया है। अगले वीडियो पे मैं आपको दूंगा एक ऐसा कोड जिस कोड की हेल्प से वो पर्टिकुलर कोड आपको हर 20 मिनट्स पे, 1 आवर्स पे, जितना भी आप ड्यूरेशन सेट करना चाहो उसके हिसाब से आपको एक वाटर ड्रिंक मैसेज सेंड करेगा, पॉपअप सेंड करेगा। दैट ऑल्सो लुक्स क्रेजी एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज आपका जार्वस आपके हेल्थ की भी ध्यान रखेगा और अगर आप उसे एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट भी करना चाहो तो फ्यूचर में कर सकते। सो ऑल राइट, दैट इज ऑल फॉर टूडेज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी फीडबैक, चैट बॉक्स इज ओनली फॉर यू। ऑल राइट, गो अहेड, डू सपोर्ट, विल मीट सून, थैंक यू सो मच। यह चैनल आपकी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। नई और रोमांचक वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें और चलिए एक शानदार सफर की शुरुआत करते हैं।